हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पंखे को नीचे से ही साफ़ करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका बताने वाली हूँ। इसमें ना तो आपको स्टूल की ज़रूरत पड़नी है ना ही सीढ़ियों की, क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि हमारा जो पंखा होता है बहुत ऊंचाई पर लगा होने की वजह से हम लोग पंखे को साफ़ नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। धीरे धीरे पंखा जो है बहुत गंदा हो जाता है, जिस वजह से देखने में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम मन मार कर रह जाते हैं और पंखे को साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही अनोखा तरीका आने वाली हूँ, जिसको यदि आप सिर्फ एक बार बना लेंगे तो आपका परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। जब मन चाहे आप बिना सीढ़ी बिना स्टूल के ही नीचे से ही पंखे को साफ़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया घंटे का निशान दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी साड़ी के हैंगर की। आपके यहाँ जो भी हैंगर हो, मोस्टली घरों में हैंगर होते हैं जिसमें हम लोग साड़ी वगैरह टांगते हैं, तो इस तरह से आपको एक हैंगर चाहिए होगा। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आपको प्लास लेना है और जो हैंगर का ऊपर का हिस्सा होता है, ये देखिए ये टांगने वाला, तो इसको आपको सीधा कर लेना है। इसको पकड़ करके आप बिल्कुल एकदम सीधा कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल आपको इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। जब ये सीधा हो जाए तो आपको इसको एक बार मोड़ देना है। मैं भी बताऊंगी किस तरह से। अब आपको घर पर कोई भी आपके यहाँ बेकार सी टॉवल डली हो या कोई भी मोटा सा कपड़ा हो, केवल मोटा होना चाहिए कपड़ा, अच्छा कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरे यहाँ एक तौलिया डली थी, बेकार हो चुकी है जो, तो मैं उस टॉवल को ले लूँगी। और अब आपको क्या करना है कि ये जो हैंगर है, आपको हैंगर के नाप की बराबर, यानी कि हैंगर को आपको एक बार रख लेना है और इसको नाप लेना है। जितना हैंगर का साइज़ है उतने ही साइज़ में आपको कैंची की मदद से इस तौलिया को कट करना है। तो ये मैंने इसको काट लिया है। अब जितना आपने ये पार्ट काटा है सेम इतना ही आपको नाप करके एक भाग और काट लेना है। इस तरह से आपको इसके ऊपर रखना है और फिर कैंची की मदद से इतना ही पार्ट एक और कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दो भाग इसके काट लिए हैं। अब आपको एक भाग को लेना है और इस तरह से मोड़ देना है, यानी कि बीच से मोड़ना है, फिर एक बार और इसको मोड़ देना है। एक बार बीच से मोड़ना है, फिर एक बार और मोड़ना है। और ये जो हैंगर है, हैंगर को आपको इस तरह से रखना है और गोल गोल आपको इस तरह से घुमाते हुए लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से आपको लपेट देना है और सुई धागे की मदद से जो इसका ये वाला हिस्सा है, ओपन हिस्सा है, इसको आपको सुई धागे की मदद से अच्छे से सिलाई मार देनी है, ताकि ये जो है अच्छे से दब जाए। तो आपको मजबूती से डबल धागा लेकर के हाथों की मदद से ही इसको सिल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिल लिया है। तो जैसे एक रोलर होता है उस तरह से ये बन गया है। अब आपको जो दूसरा पार्ट था तौलिया का, उसको आपको फिर से इस तरह से मोड़ना है और फिर आपको एक बार और मोड़ना है, जैसे कि हमने वो वाला पार्ट मोड़ा था। अब आपको इस तरह से रखना है। आप ध्यान से देखें, इस तरह से आपको रखना है और इसको उठाते हुए ये देखिए, और ये पार्ट भी आपको उठाना है और राउंड करते हुए आपको इसको भी सुई की धागे की मदद से सिल देना है। तो थोड़ा सा मजबूती से इसको सिल दें, क्योंकि इसको हम परमानेंटली बनाने वाले हैं। तो जितनी अच्छी आप सिलाई डाल देंगी उतना ही ये मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप दबाते जाएं और आप इसको दोनों तरफ से सिल दें। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको सिल दिया है। और जो बीच का हैंगर था जिसको मैंने मोड़ दिया था, इस तरह से मोड़ दिया था और ये अच्छे से इसकी सिलाई हो चुकी है। तो ये हमारा यहाँ पर किनारे पर हम अच्छे से टाँके लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है पंखा साफ करने वाला तैयार हो गया है। तो इसमें अभी बीच में स्पेस है, तो हम इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि जो बीच का स्पेस है वो ज़्यादा ना रहे, और इसको हम थोड़ा सीधा कर देंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे और दबा देंगे। ये देखिए तो इस तरह से बीच का स्पेस जो है काफ़ी कम है। अब आपको क्या करना है कि आपके यहाँ जो भी जाला लेने वाला होता है, तो इसकी आपको स्टिक निकाल लेनी है इस तरह से। तो ये स्टिक हमने इसलिए इस्तेमाल की है, ये थोड़ी बड़ी छोटी साइज़ की हो जाती है, जितना बड़ा चाहो आप। अगर आपके यहाँ ये नहीं है तो आप कोई भी डंडा ले सकते हैं, स्टिक बड़ा सा डंडा हो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है
कि सुतली ले लेनी है या मोटा सा धागा कुछ भी हो आपके यहाँ, तो मैं सुतली ले रही हूँ। और आपको ये जो पाइप है इसको इसमें डालना है, और सबसे पहले तो आपको इसको अच्छे से बांध देना है। ये देखिए, तो इसमें हमें अंदर डालना नहीं है, किनारे से ही हम इसको अच्छे से मजबूती से बांध देंगे। तो आपको अच्छे से लपेटते हुए इसको बांधना है ताकि अच्छा सपोर्ट मिल जाए, मजबूती आ जाए। इसी तरह से आप डंडे को भी बांध दीजिए। तो अभी ये हिल रहा है, तो अभी हम इसको जो टेप होती है ना, ये बड़ी वाली जो गत्ते वगैरह में लगाई जाती है, तो इसकी चिपक बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसकी मदद से इसको अच्छे से लपेट देंगे चारों तरफ। तो ये देखिए, फाइनली हमारा पंखा साफ करने वाला तैयार हो गया है, ये परमानेंटली आपके लिए तैयार है। तो हम चलिए इसको पंखा साफ करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको इस तरह आपको इसको इसके पाइप को बड़ा कर लेना है, और नीचे से ही आपको इस तरह से पंखे को साफ करना है। तो ये आसानी से पंखे में फंस जाता है, और आप इसको आगे पीछे करते हुए पंखे की पंखुड़ी को बढ़िया से साफ़ कर लें। इस तरह से आप तीनों पंखुड़ी साफ़ कर सकते हैं, ये आसानी से साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।